बार टलेगा, फिर ये चुनाव हुआ कि आज ही होगा, एलजी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, सबसे पहले तो इस बारे में बता दीजिए कि क्या किस तरीके का चुनाव प्रक्रिया इसी तरीके से चलेगी। देखिए, चुनाव बिल्कुल फेयर होना चाहिए, मगर महापौर ने एक अपनी एक अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए जो होना चाहिए तरीका यही होता है कि हमेशा महापौर नियुक्त करती हैं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, कौन होना चाहिए, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसी एक सीनियर पार्षद हर जोनल में से होता है जब भी जोन के चुनाव होते हैं। क्योंकि मेरा खुद का भी तजुर्बा है, मैं भी खुद 3 साल नगर निगम में सिटी जोन का चेयरमैन रहा हूँ, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर हमेशा से महापौर चुनते थे, चाहे महापौर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, वो कोई इशू नहीं होता है। मगर जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के लिए खुद उन्होंने एक रिक्वेस्ट करी थी कमिश्नर साहब से कि अभी एक टाइम देना चाहिए, और सभी निगम पार्षदों के पास एक बहुत शॉर्ट टाइम था, और बहुत से निगम पार्षद कोई दिल्ली में नहीं था, कोई दिल्ली से बाहर था, और यही एक सबसे बड़ी परेशानी थी कि बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर कि नॉमिनेशन के लिए भी अफरा तफरी मची, नॉमिनेशन के लिए भी बहुत शॉर्ट टाइम मिला, और जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि एक अफरा तफरी का चुनाव हो रहा है और समझ से बाहर है। मगर आम आदमी पार्टी के पास पूरा बल है, आम आदमी पार्टी जोनल चुनाव भी जीत रही है, स्टैंडिंग कमेटी के हर एक मेंबर्स भी जीत रही है, और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव भी आम आदमी पार्टी जीतेगी। तो जी जी, ये बताइए कि पहले जो एल्डर मैन थे उनकी नियुक्ति का अधिकार एलजी को चला गया, अब पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने का भी चला गया है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, समझ से बाहर हो क्या रहा है, पूरी दिल्ली नगर निगम में बहुत अजीब सा हो रहा है। जो महापौर की शक्तियाँ हैं आज वो भी मतलब एक तो पहले हम लोग जिस तरीके से हमारे ऊपर हावी होकर जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं, ये तो समझ से बाहर है, और मैं समझता हूँ कि इसकी लड़ाई भी आम आदमी पार्टी, हमें अपनी न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, और हम लोग आम आदमी पार्टी अपने लीगल एडवाइस ले रही है, और हो सका तो इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी कोर्ट की तरफ जा सकती है। बिल्कुल जाएगी, कोर्ट की तरफ जाएगी, और हमें पूरा यकीन है कि कम से कम महापौर की जो शक्तियाँ हैं उसको बाईपास ना किया जाए।